कॉन्टूर ओके तो वो फंक्शन इज अ पीस वाइज कॉन्टीस फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है कि वो अलग अलग पॉइंट लाइक दिस अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो ये ऐसे ठीक है ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कॉन्टिन्यू है फिर आगे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में कॉन्टिन्यू यहाँ से लेके यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है फिर यहाँ पे ऐसे डिफेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वो कॉन्टिन्यूस है पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी ठीक है तो ऐसा अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसा स्मूथ कर्व गिवन है ऑन कर सी और उस कॉन्टोर का लेंथ आपको एल दे दिया ठीक है क्लोज कॉन्टोर है और ओपन कॉन्टोर जनरली क्लोज कॉन्ट्रो हम देते हैं कॉन्ट्रोल पूरा क्लोज ओके इफ यू हैव अ फंक्शन एव जेड विच इज यू प्लस आई वी दिस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है इसमें अगर आप यहाँ पे वैसे इसका वैल्यू जो, होता, M M bound, इस जो होता है वो ML से छोटा इज द अपर बाउंड और इस पूरे इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो एम एल से छोटा होता है लेंथ ऑफ द कर्व इनटू मैक्सिमम ओके नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से समझाने दिस इज द जस्ट थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड नाउ इफ यू हैव लाइक फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ मॉट जेड इज द सर्कल Okay, mod z is equals to circle, and where radius of the circle is four. Now you have a complex integral like uh, f of a complex integral this, where f of z is e to the power z over e to the power z plus one. I think it is not e to the power z. Sorry for that. It. It's just z plus one. This is not e to the power z. Z plus one.

टू पाई आर मीन्स एल इज़ इक्वल टू टू पाई इंटू फोर सो बेसिकली एट पाई तो हो जाएगा एल इसका जो इंटीग्रल होगा दिस इज एफ ऑफ जेड और डी जेड विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम एल एम इंटू एट पाई नाव वी जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट एम इसके लिए हमें एम कैलकुलेट करना है एम कैसे कैलकुलेट वो इम्पोर्टेंट है ठीक है अब देखो यहाँ पर आपके पास में एम जो होता है तो वो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी एफ ऑफ जेड एंड वी हैव एफ ऑफ जेड विच इज ई टू दैड अपॉन जेड प्लस वन हाउ विल वी फाइंड द मैक्म वैल्यू तो हमारे पास में इनक्वलिटी होती है कि अगर आप ए प्लस बी का और इफ यू जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द जेड वन प्लस जेड टू तो इसके लिए क्या होता है जेड वन प्लस जेड टू इज ग्रेटर देन जेड वन प्लस देन जेड वन माइनस जेड टू ठीक है ये इसकी हमें okay. तो क्या करना है, जो है, उसको तो so करना है और को so करना. तो उससे क्या होगा हो तो वैल्यू मैक्सिमाइज होगी होगा डिनोमिनेटर जितना आप डिवाइड कम करेंगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ा मिलेगा ओके okay. पहले हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं ई पावर जेड को ई पावर जेड को मैक्सिमाइज करेंगे सो वी कैन राइट मैक्सिमम ऑफ ई पावर एक्स इंटू पावर आयोटा वाई अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे मॉड ऑफ ई पार एक्स अलग लिख देंगे और ये जो होगा इसको हम क्या कर देंगे कॉस ऑफ एक्स सॉरी यूलर्स फार्मूला लगा देंगे कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन वाई अब इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम फाइंड करते हैं मैक्सिमम ऑफ कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई ऑब्वियसली इनका मैक्सिमम वन होगा इफ यू जस्ट लाइक ड्रॉ द कर ये साइन का हो जाएगा और ये कॉस का हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा इन दोनों का कि मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस होगा और वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसका अगर मैं मॉड निकालता हूँ अगर मैं इसका मॉड्युलस कैलकुलेट करता हूँ विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई और विच इज़ वन इसका मैक्सिमम या मॉड जो है वो क्या मिल गया आपको वन मिल गया इट मीन्स ये क्या हो गया ई पार एक्स हो गया सिंपली ठीक है क्या हो गया ई पार एक्स मैक्सिमम ऑफ ई पार एक्स नाउ यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये तो मैक्सिमम ऑफ ई पार एक्स हो गया और जेड इज इक्

तो कि और का आपके पास में तो है तो तो हो हो जाएगा 3 हो जाएगा तो ये क्या मिल गया आपको ई पार फोर डिवाइड बाई थ्री ओके पार फोर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एम एम इज नैक्सिम ई पार जेड अपॉन प्लस वन और येगा मॉडल वन वाई वाला टर्म जो है यहाँ पर भी इसका वैल्यू हमें मिल रहा है ई पार फोर लेस देन इक्वल ई पार फोर वो जो कि एम के इक्वल हो जाए और तो हमें टोटल पूरे फंक्शन का पूरे फंक्शन के इंटीग्रल का निकालना सो बेसिकली इंटीग्रल ई पार जेड ओवर

तो किया है आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा सो वॉचिंग माई वीडियो कीॉचिंग एम एच मैथ्स इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू